आईपीएल ऑक्शन 2025 इन चार खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन कर सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। आईपीएल 2024 का टाइटल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, लेकिन अब आईपीएल में मेगा ऑक्शन होना है, यानी कि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होना है। मेगा ऑक्शन यानी कि सभी टीमों के अपने अपने खिलाड़ी सभी टीमों में बिखेर जाएंगे और सभी टीमें इधर उधर हो जाएंगी। इस ऑक्शन के बाद केकेआर समेत तकरीबन सारी टीमों के बदल जाएंगी टीमें। बहरहाल यह देखना मजेदार होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कौन से वो चार खिलाड़ी है जो अपने अंदर फिर से आईपीएल 2025 के लिए रिटेन करने वाली है। तो इसी वीडियो में दोस्तों बने रहना, और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जल्द ही हमें 1K तक पहुंचाना, और हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है श्रेयस अय्यर का, क्योंकि इस बात की काफी आसार है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन करेंगी ही एक करेंगी। ये कंफर्म और जाहिर बात है कि श्रेयस अय्यर को केकेआर की टीम आईपीएल 2025 के लिए रिटेन ही करेंगी। श्रेयस अय्यर 115 मैचों की तकरीबन 3000 रन बना चुके हैं। इसके अलावा कैप्टन के दौर पर श्रेयस अय्यर के आंकड़े बहुत ही शानदार रहे और बहुत ही लाजवाब आंकड़े रहे कैप्टन के दौर पर। और इसी साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 10 साल बाद टाइटल अपने नाम किया था। इस सीजन में श्रेयस अय्यर ने 14 मैचों में से 146 की स्ट्राइक रेट से 351 रन बटोरे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा और बेहद ही बेहतरीन स्कोर माना जाता है। तो इसीलिए श्रेयस अय्यर को केकेआर की टीम अपने अंदर फिर से रिटेन ही करेंगी आईपीएल 2025 के लिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम है हर्षित राणा का। इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने काफी प्रभावित किया था सभी गेंदबाजों को और सभी क्रिकेटर्स। इस गेंदबाज ने नई गेंद के अलावा पावर प्ले में अपनी छाप छोड़ी थी। आईपीएल 2024 के सीजन में हर्षित राणा ने 19 विकेट चटके थे। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 5वें नंबर थे। खासकर हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में गजब की गेंदबाजी की थी और नजारा पेश किया था, क्या गेंदबाजी की। इसलिए हर्षित राणा केकेआर की टीम के लिए बेस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। उसको केकेआर की टीम आईपीएल 2025 से पहले इन्हें भी रिटेन करेंगी। और इसी लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है जो कि आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, यानी कि सुनील नारायण। पिछले तकरीबन 12 सालों से सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी अपना दम दिखाया था। ऐसा माना जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन से पहले सुनील नारायण को रिटेन करेंगी, क्योंकि सुनील नारायण ने करियर पर नजर डाले तो इस खिलाड़ी ने 176 मैचों में से 165 की स्ट्राइक रेट से 1534 रन बनाए हैं। इसके अलावा सुनील नारायण ने आईपीएल मैच में 6.73 की इकोनॉमी रेट से 180 विपक्षी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है, यानी कि इतनी विकेटें झटकी है। इसलिए सुनील नारायण के आंकड़े भी केकेआर की टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। और आईपीएल 2024 में आपने देखा ही होगा कि सुनील नारायण कैसे ऑलराउंडर प्रदर्शन अपने अंदर किया था। तो इसीलिए आईपीएल 2025 के लिए केकेआर की टीम इन्हें भी रिटेन करेंगी। इसके अलावा लास्ट में चौथा नाम है आंद्रे रसेल। वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल लंबे वक्त से कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी गेंदबाजी के अलावा फील्डिंग से भी मैच का रुख बदलने में माहिर है, लिहाजा कोलकाता नाइट राइडर्स मैनेजमेंट ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल को जरूर रिटेन करेगी। इसके अलावा आपके हिसाब से क्या लगता है आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है, यानी कि मेगा ऑक्शन में तो सभी खिलाड़ी इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके हिसाब से भी कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा खिलाड़ी रिलीज होगा और कौन सा खिलाड़ी रिटेन होगा, और आप इसी टीम के बहुत बड़े फैन हैं आईपीएल के, तो ये भी कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही आईपीएल के क्रिकेट के रिलेटेड सभी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।